हेलो स्टूडेंट्स, ग्रुप डेटा में आज हम सीखेंगे डिस्क्रीट सीरीज में मीन डेविएशन और उसका कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे। तो एक एग्जांपल लिया है हमने एक्स आई एन एफ आई। तो मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, एफ आई इंटू एक्स आई का प्रोडक्ट निकालूंगा। तो 11 इंटू 11 36, 65, 98, 75, 48 एंड 70। इसका करूँ टोटल तो 6 एंड 6 12, 20, 25 एंड 8 33 एंड 7 40, 4, 5 एंड 3 8 एंड 6 14 एंड 9 23, 30, 30। मीन की फॉर्म लाऊंगा, सबसे पहले एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन 350 डिवाइड बाय 25। तो मीन का आंसर मिलेगा 350 डिवाइड बाय 25 करेंगे तो 25 बन जा 25, बचे कितने 10। तो 25 फोर का 100। अभी कॉलम बनेगा अंडर मॉडुलस, डायरेक्टली बनाते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार डायरेक्टली अंडर मॉडुलस। इसका मतलब है जो वैल्यू नेगेटिव आएगी उसको भी हम क्या कर देंगे पॉजिटिव। तो 14 माइनस 11 माइनस 14 तो माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2। फिर कॉलम बनेगा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। एफ आई इंटू ये कॉलम करेंगे 3 1 जा 3, ये वैल्यू हमको पॉजिटिव कर देनी थी जो अभी मॉडुलस में है, राइट। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 0 जा 7, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो 8 एंड 6 14 एंड 14 20 8। फॉर्मूला आएंगे तो मीन डेविएशन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई अंडर मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। तो 28 डिवाइड बाय करेंगे 25, तो 1 पॉइंट आएगा समथिंग। 28 डिवाइड बाय 25 तो 1.12। फिर कोएफिशिएंट ऑफ एवरी मीन डेविएशन तो उसके फॉर्मूला में डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बार तो 1.12 डिवाइड बाय करेंगे 14। 1.12 डिवाइड बाय 14 करेंगे तो मिलेगा 0.08। तो इस तरह से जब भी डिस्क्रीट सीरीज हो एफ आई एक्स आई तो एफ आई एक्स आई का कॉलम बना के पहले मीन निकाल लेना है, फिर कॉलम बना अंडर मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार तो जो वैल्यू नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएंगी। फिर मल्टीप्लाई एफ आई अंडर मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार का कॉलम बनाना है। फॉर्मूला आएगी मीन की तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, मीन डेविएशन की तो सिग्मा एफ आई अंडर मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन वैल्यू रख के हम निकाल देंगे। कोएफिशिएंट तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बार।